नमस्ते और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर और आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है खबरों के पहले। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहने वाला एक असंतुष्ट युवा चीन जिसे संयुक्त अरब इमारत में लगभग 2 महीने तक रहने के बाद गुरुवार शाम तुर्की में उतारा गया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के 19 वर्षीय व्यक्ति वांग चियो ने 27 मई को इंटरव्यू में बताया कि उसे सुबह सिर्फ एक तरफा टिकट, पासपोर्ट और एक फोन के साथ अब्रॉड में एक फ्लाइट में बैठा दिया था। वहीं दुबई में एक अलग कोठरी पर कई अजनबी उन्हें कार में ले आए, हथकड़ी लगाई और काले कपड़े से उनका चेहरा ढक दिया। दुबई में एयरपोर्ट पहुँचने तक उनसे किसी ने बात नहीं। आगमन से पहले तुर्की हवाई अड्डे को नोटिस देने में असमर्थ वांग पर तुर्की के कोविड-19 अंतर्राष्ट्रीय यात्रा नियमों को तोड़ने के लिए जुर्माना लगाया गया था। हालांकि वे आशावादी बने रहे, वे जल्द ही न्यूयॉर्क के यात्रा कर सकेंगे। मैं अब स्वतंत्र हूं, उन्होंने 27 मई को एक ट्वीट में कहा कि मैं उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो मेरे लिए समर्थन और चिंता व्यक्त करते हैं। आपकी मदद के बिना मुझे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की काली जेल में प्रताड़ना किया जाएगा। CCP में वांग को निशाने पर लिया, जो मूल रूप से दक्षिणी चीन के सिचुआन प्रांत के चेंगोकिंग शहर के रहने वाले हैं। जब उन्होंने फरवरी में भारत के साथ खूनी सीमा संघर्ष के अधिकारियों के खाते पर विवाद किया था, 6 अप्रैल को न्यूयॉर्क के लिए एक उड़ान में स्थानांतरित होने के दौरान वांग को सादे कपड़ों में ही लोगों ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने खुद को दुबई के आपराधिक सूचना विभाग के अधिकारियों के रूप में पहचाना। इसके बाद उन्हें बाहरी दुनिया के साथ सीमित संपर्क के साथ हिरासत में रखा गया था। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो इस देश में कानून का उल्लंघन करता हो, उन्होंने पहली 20 मई के एक इंटरव्यू में कहा था। दुबई पुलिस ने उन्हें रिहा करने से इनकार कर दिया था, हालांकि स्थानीय अदालत ने उन्हें 19 अप्रैल को जमानत दे दी थी। वांग ने कहा कि चीनी दूतावास के कर्मचारियों ने उनसे कम से कम 3 बार संपर्क किया। उन्हें चीनी वापस भेज जाने के लिए सहमत होने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए मनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि दुबई पुलिस ने मई की शुरुआत में 2 मौके पर उनसे अरबी में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि वे इसकी सामग्री को नहीं समझ सकते हैं, वे इसे पढ़ नहीं सकते हैं। यह 100% चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था। उन्होंने 20 मई के साक्षात्कार में कहा, एक महीने से अधिक समय तक आयोजित होने के बाद चीनी पुलिस ने वांग पर नायकों और शहीदों को बदनाम करने का आरोप लगाया और 15 जून 2020 को हुई विवादित भारत चीन सीमा पर खूनी झड़प के बारे में सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी करने के बाद चीनी मीडिया पर नोटिस प्रसारित किया। भारत ने 20 मौतों की सूचना दी इसके पक्ष में, जबकि 8 महीने बाद बीजिंग ने 4 घातक घटनाओं की घोषणा की। आपने इतनी देर से मरने वालों की घोषणा क्यों की? तुम धरती पर क्या छुपा रहे हो? 21 फरवरी को बीजिंग की घोषणा के 2 दिन बाद वांग ने चीनी सोशल मीडिया वेबों पर लिखा। इसके तुरंत बाद चीनी पुलिस ने उसे एक वांछित सूची में डाल दिया और इसकी व्यक्तिगत जानकारी वेबों में फैल गई। चीनी पुलिस ने इसके माता पिता और घर पर छापा मारा और उन्होंने एक स्वीकारोक्त वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मजबूर करने के लिए उन्हें हिरासत में लिया, एक मांग जिसके उन्होंने अस्वीकार कर दिया। वांग जुलाई 2019 में इस्तांबुल में थे। स्थानीय फोन नंबर होने के बावजूद उन्हें अजनबियों से डराने धमकाने वाले टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुए। उनके होटल में उन्हें धमकी भरे फोन भी आए। उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के डर से उन्होंने न्यूयॉर्क के लिए एक उड़ान यानी कि एक फ्लाइट बुक की, लेकिन दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। विदेश विभाग ने उनके मामले को अस्वीकार किया, वहीं उन्हें स्वीकृति भी मिल गई। विभाग ने कहा कि हम चीन में मानवाधिकारों की उल्लंघन और हनन से चिंतित हैं और चीनी अधिकारियों से मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करने का आह्वान करते हैं, जिसके लिए उनके नागरिक चीन के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों और प्रतिबद्धों के अनुरूप हैं।
उनकी सीधी के प्रचार में उन्हें स्वतंत्रता हासिल करने में मदद की है। उन्होंने गुरुवार को बताया कि जब वे तुर्की में हवाई अड्डे पर थे और जब वे एक रात पहले उन्हें हथकड़ी और बेड़ियों के साथ एक खाली सेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। उन्होंने शनिवार को एक ताज़ा ट्वीट में कहा कि हिरासत में सीसीपी के बारे में मेरा नज़रिया बदल गया है, मैं इसे एक बुरी पार्टी कहता था। उन्होंने जारी रखा और कहा कि यह पार्टी नहीं है, सीसीपी राज्य के तंत्र के साथ एक वैश्विक आतंकवादी संगठन है। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए एसडब्ल्यूबी हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।